Hello dear students, we are studying determinants chapter number 4. This is lecture number 7. In this lecture, we will find the adjoint of a square matrix and solve some question from exercise 4.5. Let us start today's lecture. What is adjoint of a square matrix? Definition hai, the adjoint of a square matrix delta is defined as the transpose of the matrix Aij of order n, where capital Aij is the cofactor of the element Aij, and this is denoted by adjoint delta. Kya keh rahi definition? Adjoint of a square matrix is transpose of cofactor of elements of given matrix. चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. तो डेफिनेशन क्या कह रही है, यहां पे देखिए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का कोफैक्टर जो होंगे, उन कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स हैं उसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट होगा गिवन मैट्रिक्स का. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन एलिमेंट्स के क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो चलिए लेट कर लेते हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो कोफैक्टर हैं वो ये हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोफैक्टर मैंने लेट कर लिया a11. सेकंड एलिमेंट a12, उसका कोफैक्टर मैंने लेट कर लिया a12. सिमिलरली a21 और a22 के ये कोफैक्टर मैंने लेट कर लिए. अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि एडजॉइंट क्या होगा, इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनके जो कोफैक्टर्स हैं उनका जो मैट्रिक्स है. तो फिर हम इस जो कोफैक्टर्स हमारे पास, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसका करेंगे ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. तो चलिए इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है. यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है उनके कोफैक्टर से. जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है a11, उसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल a11, तो उसे मैंने रिप्लेस a11 से कर लिया. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट है a12 और उसका कोफैक्टर है a12, उसे मैंने उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया. सिमिलरली आपने बाकी एलिमेंट्स को भी ऐसे लिखना. तो दिस इज योर एडजॉइंट. और आगे हमारा क्या काम है, इसे हमने ट्रांसपोज कर देना. तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं. तो फर्स्ट रो जो है वो हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दी. यहाँ सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दी. तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, तो हमने दो स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं जब भी हमने एडजॉइंट फाइंड करना. पहला क्या है कि हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और सेकंड है हमने उसको ट्रांसपोज कर देना है. चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, 2. हम फाइंड करना चाहते हैं एडजॉइंट. तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहला स्टेप है कि हमने इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और उनको किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में. तो चलिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं. तो 2 का कोफैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम a11 से. प्रीवियस लेक्चर में हमने कोफैक्टर फाइंड करना सीखा था. ठीक है, तो हमने 2 का कोफैक्टर लेना है. तो 2 का रो और 2 का कॉलम डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया, 4. ठीक है, सेकेंड नंबर है 3. तो 3 का हमने कोफैक्टर लेना है. तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे a12 से. तो इसका फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे a12. और 3 वाला जो रो है और जो कॉलम है डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1. लेकिन यहाँ पे देखिए 1 और 2 को ऐड करने पर हमारे पास आता 3. 3 एक ऑड नंबर है और यहाँ पे क्या आएगा, फिर माइनस आएगा. उसके बाद हमारे पास है 1 को रिप्रेजेंट करेंगे a21 से. तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा. और लास्ट वन है 4 को रिप्रेजेंट करेंगे a22 से. तो ये देखिए यहाँ पे ये और ये आपका डिलीट हो जाएगा. अब
यहाँ पे क्या बचेगा, टू। तो अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट ए, देखो एडजॉइंट ए क्या कह रहा है कि आपने अब इन को फैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उसका करना है ट्रांसपोज। तो चलें यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टू जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर क्या है, फोर। थ्री जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर क्या है, माइनस वन। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस थ्री, टू। तो क्या करना, हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है उनके को फैक्टर से। इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, फोर माइनस वन माइनस थ्री, टू। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मैं इसका रिजल्ट ही आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। तो इफ ए बी एनी गिवन स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन क्या कह रहा है, एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो हमारे पास रिजल्ट है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट दो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये देखिए पहला रिजल्ट क्या है, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स को आप सिंगुलर बोलेंगे इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक मैट्रिक्स है और हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे शो करना है कि क्या ये सिंगुलर है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करके देखेंगे, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, वन टू फोर एट, तो कितना आ गया, एट माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकेंड रिजल्ट क्या है, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट, और चेक करते हैं कि क्या ये जीरो है या नॉन जीरो है। ये देखिए तो क्या बन गया जी, वन इंटू फोर दैट इज फोर, थ्री इंटू टू सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जो ए है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिपेंड करता है कि क्या वो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है या नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और थ्योरम हमारे पास, आज थ्योरम नंबर टू क्या कह रही है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी एंड वी इंटू ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्या कह रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स जो हैं सेम ऑर्डर की हैं और उन नॉन सिंगुलर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन सिंगुलर होगा, चाहे आप ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें। नेक्स्ट एक और थ्योरम हमारे पास, थ्योरम नंबर थ्री, वो क्या कह रही है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी डिटर्मिनेंट, वेयर ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्या कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ, उनका ऑर्डर सेम है और उनका जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू दी मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें उनका डिटर्मिनेंट लें, या उन मैट्रिक्स को अलग अलग उनका डिटर्मिनेंट लें फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों वो है सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम एक और यहाँ पे रिजल्ट ड्राइव करेंगे। वी नो दैट ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पे ए जो है वो एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, ए ए क्या है स्क्वेयर
मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो ए है उसका जो ऑर्डर है वो हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला और मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो मैं ये जो लास्ट वाले दो रिजल्ट है उनको ले रहा हूँ, ये देखिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आई। तो यहाँ पे मैंने ए का जो ऑर्डर है वो मैंने 3 ले लिया है, तो फिर आई का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। तो क्या फिर मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ए डिटर्मिनेंट और जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे मैंने 3 बाई 3 में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो ए डिटर्मिनेंट है क्या ये एक स्केलर है। आप डेफिनेशन याद करें डिटर्मिनेंट की, कि जो ए डिटर्मिनेंट है, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हम इस स्केलर क्वांटिटी को अब इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स साथ। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटर्मिनेंट में जो स्केलर क्वांटिटी है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये स्टेप करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये जो ए डिटर्मिनेंट स्केलर क्वांटिटी है तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, ये एडजॉइंट ए इन टू ए मैट्रिक्स, और उसका मैंने ले लिया जी डिटरमिनेंट, ठीक है। और फिर हम इसका भी डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अभी हमने एक थ्योरम पीछे की है, थ्योरम नंबर 3। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उन्हें हम अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट फाइंड करके उनको मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, तो फिर क्या मैं इसे इस थ्योरम के कारण क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, ठीक। राइट हैंड साइड में आप देखते हैं यहाँ पे ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो है, क्या इस फर्स्ट रो में कुछ कोई नंबर कोई एलिमेंट हम उसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 है, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट है, तो मैं इस ए डिटरमिनेंट को बाहर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बचेगा 1 0 0। सिमिलरली सेकेंड रो में भी ए डिटरमिनेंट यहाँ पे है, बाकी तो 0 है, आप उसे यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। थर्ड में भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक जो ए डिटर्मिनेंट है ये कितने आ गए हमारे पास, 3, मल्टीप्लाई करके पावर 3 आ जाएगी, और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है कि किसी एक रो को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देता हूँ क्योंकि उसके दो एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, तो 1 को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 0 इंटू 0, और माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आ गया जी ए डिटर्मिनेंट क्यूब। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट और इंटू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे स्केलर है, मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट पावर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट निकल गया है, क्या रिजल्ट निकल गया कि हमने जो ए है जो स्केयर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमने लिया 3, ठीक है। और यहाँ पे उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड किया, फिर उसका लिया डिटर्मिनेंट, तो वो किसके बराबर आ जाता है, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर, मतलब उसे 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो जो ऑर्डर है अगर 4 होता तो यहाँ पे पावर कितनी आनी थी, 3 आ जानी थी। तो फिर इसे जनरलाइज हम कैसे करेंगे,
इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, तो हम उसका रिजल्ट क्या आएगा कि एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और उसका जो डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट पावर एन माइनस वन। यहाँ पे हमने पावर ऑर्डर लिया था थ्री और यहाँ पे ए डिटरमिनेंट की पावर कितनी आ गई, टू आ गई, एक कम आई ना, तो यहाँ पे अगर हमने एन माना है तो उसकी पावर कितनी आएगी, एन माइनस वन। ठीक है, तो चले फिर नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने वेरीफाई करना है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई, और आई यहाँ पे क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, या हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ए गिवन है तो हमने पहले फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं, तो कोफैक्टर्स आर, चलिए तो यहाँ पे टू है फर्स्ट एलिमेंट, तो टू का कोफैक्टर जो है वो ए वन वन से हम रिप्रेजेंट करेंगे और हमें पता है कि टू का रो और टू का कॉलम डिलीट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे माइनस सिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट ए वन टू, ये कौन सा, ये जो थ्री एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है और यहाँ पे देखिए माइनस फोर है और ये वन प्लस टू दैट इज थ्री, थ्री के कारण माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट वन ए टू वन, माइनस फोर का कोफैक्टर क्या आएगा, ए टू वन और यहाँ पे ये वाला कॉलम आप मेरा कर्सर देखें और ये रो नहीं आएगा, थ्री आ जाएगा, लेकिन क्योंकि टू और वन का जो एडिशन है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और लास्ट वन है ए टू टू, तो ए टू टू यहाँ पे कितना है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का कॉलम और ये रो नहीं आएगा और दिस इज टू। तो अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या कहता है कि अब हमने इन को फैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और इनके एलिमेंट्स से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, और उसका लेना हमने ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांसपोज ले लिया, तो फर्स्ट जो है टू और थ्री, टू और थ्री का यहाँ पे कोफैक्टर है जी माइनस सिक्स, फोर ये है माइनस थ्री और लास्ट वन का है टू, और इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करके क्या आएगा माइनस सिक्स फोर माइनस थ्री टू, तो दिस इज योर एडजॉइंट। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन जो है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या है, पहले कहता है कि ए जो मैट्रिक्स है और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना सीखा है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है माइनस सिक्स माइनस थ्री फोर टू। ओके, तो चले मल्टीप्लाई करें, चलिए मैं आपको एक एक रो को मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कि हमने मैट्रिक्स में कैसे किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रो को ले लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे टू को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स इंटू टू फिर प्लस करते थे, और जो सेकेंड एलिमेंट है इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था थ्री इंटू फोर दैट इज ट्वेल्व। सिमिलरली रो हमारी फर्स्ट रहती थी लेकिन अब हमारा कॉलम सेकंड हो जाता था, वो हमारा सेकंड एलिमेंट बनता था। तो यहाँ देखिए टू को माइनस थ्री से करेंगे माइनस सिक्स और थ्री को टू से करेंगे प्लस सिक्स, और यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दें। अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस फोर को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस ट्वेंटी फोर, माइनस सिक्स को फोर से करेंगे माइनस ट्वेंटी फोर आ रहा है, माइनस फोर को माइनस थ्री से करेंगे ट्वेल्व आ रहा है और माइनस सिक्स को टू से करेंगे माइनस ट्वेल्व आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दें सिक्स इंटू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व आपके पास यहाँ पे बन गया है जीरो, यहाँ अगेन जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और ये एक जीरो मैट्रिक्स है, और क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं हम ये वाला, अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और मैट्रिक्स को सेकंड प्लेस पे रखेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है माइनस सिक्स माइनस थ्री फोर टू, और यहाँ पे है ए मैट्रिक्स है हमारे पास टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स, तो चलिए मल्टीप्लाई करें इसे, माइनस सिक्स को माइनस प्लस टू से किया तो माइनस ट्वेल्व, माइनस थ्री को माइनस फोर से किया प्लस ट्वेल्व, माइनस सिक्स को थ्री से किया
-18, और -3 को -6 से किया तो +18। ओके, फिर सेकेंड रो लेते हैं, 4 को 2 से किया 8, और 2 को -4 से किया -8, 4 को 3 से किया 12, और 2 को -6 से किया -12। हम देखेंगे 0 0 0, तो क्या मैं इसे आंसर इसका 0 0 0, और ये बन गया 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रिजल्ट क्या है कि ए डिटर्मिनेंट। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसके एलिमेंट है 2 3 -4 -6। तो चलिए इसे सॉल्व करें, 2 को -6 से करेंगे -12, ये डायगनली हम मल्टीप्लाई करते हैं, और -4 को 3 से करेंगे -12 आएगा, लेकिन क्योंकि आपने इसमें माइनस करना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ गया 0। तो अब ए डिटर्मिनेंट को आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्योंकि ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो फिर हमने वेरीफाई कर दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट था थ्योरम नंबर 1 का, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो आज हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दो स्टेप उसमें करने हैं, पहला स्टेप क्या है कि हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और सेकंड स्टेप है हमने ट्रांसपोज करना है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।